भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रफ्तार ने दो बच्चों के सिर से मां का आंचल छीन लिया। बाइक सवार को धक्का लगने पर महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी। तभी तेज गति से आ रही बस का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। पति 10 मिनट तक लहूलुहान पत्नी को सड़क पर कलेजे से लगाए बिलखता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। बच्चों के भी आंसू थम नहीं रहे थे। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। महिला पति और दो बच्चों के साथ बाइक से रेलवे स्टेशन से अपने घर कमला नगर जा रही थी। अचानक ताजुल मस्जिद के सामने एक ठेले में आग लग गई। आग से बचने भागी भीड़ बाइक से टकराई, जिससे महिला उछलकर सड़क पर गिर गई। बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और बच्चों को भी मामूली चोट आई है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक राहुल नगर क्षेत्र के कमला नगर निवासी महेश गाखरे प्राइवेट जॉब करता है। वह साजापुर में रहने वाली अपनी बहन के घर जाने के लिए शुक्रवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा था। उसके साथ पत्नी दुर्गा गाखरे उम्र 33 वर्ष, बेटा लक्ष्य उम्र 9 वर्ष, बेटी तामिया 6 वर्ष साथ में थे। ट्रेन छूटने पर महेश परिवार को लेकर वापस शाहजहानाबाद होते हुए घर लौट रहा था। ताजुल मस्जिद के पास अचानक भीड़ दौड़ पड़ी और कोई बाइक से भिड़ गया। धक्का लगते ही बाइक अनबैलेंस होकर गिर गई। दुर्गा उछलकर सड़क पर गिरी, जिसे रॉयल मार्केट की तरफ ढलान से आ रही तेज रफ्तार बस MP39P0569 का पिछला पहिया उसके सिर से गुजर गया। सड़क किनारे गिरे पति और बच्चे यह खौफनाक मंजर देखते रह गए। महेश ने बताया कि उसकी बहन साजापुर में रहती है। रक्षाबंधन पर बहन नहीं आ पाई थी, इसलिए परिवार समेत राखी बंधवाने साजापुर जा रहे थे। भोपाल स्टेशन पर बाइक पार्क कर भीतर पहुंचे तो ट्रेन छूटने का पता चला। इसके बाद वापस लौट रहे थे। महेश के रिश्तेदारों ने बताया कि दुर्गा सिलाई करती थी, वह परिवार का आर्थिक सहारा भी थी। जानकारी के अनुसार घटना स्थल के पास ही सड़क किनारे एक ठेला है। चाय नाश्ते के लिए यहाँ पर काफी लोग सुबह सुबह खड़े हुए थे। अचानक ठेले में आग लग गई। आग देख वहाँ मौजूद लोग सड़क की ओर भागे और बाइक से टकरा गए। जिस चाय के ठेले में आग लगी उसे 16 साल का किशोर चलाता है। आग से वह भी झुलस गया। प्रारंभिक इलाज के बाद अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई है। इधर पुलिस को घटना के चश्मदीद ने बताया कि ठेले के छत पर पन्नी डली हुई थी। किसी ग्राहक की जलती हुई सिगरेट पन्नी पर लगी और आग लग गई। घटना के ड्राइवर सीधे बस लेकर शाहजहानाबाद थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि ताजुल मस्जिद के पास बस से महिला की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो काफी भीड़ जमा थी। पुलिस महिला को हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी।